अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तमाम प्यारे मुसलमानों को सबसे पहले रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाले हैं वो मोस्ट रिक्वेस्टेड थी ब्लैक हेड्स रिमूवल के लिए। आज हम आपको दो तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आप अपने घरेलू चीज़ों के साथ भी अपने ब्लैक हेड्स को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब होल्डर हैं, तो आप सिर्फ स्ट्रिप्स के ज़रिए किस तरह से अपनी नोज़ के ऊपर से ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। वीडियो में जो अज़ा हमें चाहिए उसमें सबसे पहले आप कोलगेट का टूथपेस्ट ले लेना है। इसकी क्वांटिटी आपने एक चम्मच लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है फेयर एंड लवली भी आपने टूथपेस्ट की मिकदार में लेनी है, और आपने इसमें ऐड करना है सॉल्ट, आपने एक चौथाई चम्मच ले लेना है। आपने इन सबको अच्छी तरह से ब्रश की मदद से मिक्स कर लेना है। इन तीनों अज्जा को हमने मिक्स कर लिया है। इसका लगाने का तरीका यह है कि आपने इसको अपनी नोज़ पर इस तरह से इसकी अप्लीकेशन करनी है। अच्छी तरह से आपने इसकी अप्लीकेशन कर लेनी है, और फिर इसके सूखने का इंतज़ार करना है। इसके सूखने के बाद आपने इसको ब्रश की मदद से इस तरह से रब करना है, और रब करने के बाद आपने स्पंज की मदद से इसको साफ कर लेना है। जो रेमेडी हमने आपके साथ शेयर करी है वो बहुत पावरफुल है, उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपके ब्लैक हेड्स परमानेंट रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जो औरतें, जो वुमेंस वर्किंग करती हैं, जॉब करती हैं, जिनके पास वक्त नहीं होता, उनके लिए कुछ प्रोडक्ट भी हैं जिनके इस्तेमाल से आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। ये स्ट्रिप्स हैं, नोज स्ट्रिप्स। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप मेरे पास यू का था, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आपने इस स्ट्रिप्स को अपनी नोज़ के ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने अपने चेहरे को स्टीम देनी होगी। स्टीम का तरीका ये है कि आपने सादे पानी से स्टीम नहीं देनी है, आपने एक पतीला पानी गर्म करना है, उसके अंदर आपने एक चम्मच नीम के पाउडर को ऐड कर देना है। उसको आपने 5 से 10 मिनट तक पकाना है। उस पानी से आपने अपनी भाप लेनी है। भाप लेने के बाद फिर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन का तरीका ये है कि आपने इसको रब करना है, रब करके निकालना है, निकालने के बाद अपनी नोज़ पर लगाने के बाद इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जब आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, और आधे घंटे बाद जब आप अपनी नोज़ पर से हटाएंगे, तो आपके तमाम ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपके पास सन किस का ब्लैक हेड्स रिमूवल मास्क है विद चारकोल। ये भी बहुत ज़बरदस्त मास्क है। जिन लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता, जो जॉब होल्डर हैं, वक्त ना होने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई नहीं कर सकती, टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी में होती है, तो वो सिर्फ 10 मिनट के लिए इसकी एप्लीकेशन कर लें। थिन नहीं करनी है, थिक करनी है, मोटी लेयर लगानी है, सूखने का इंतज़ार करना है, फिर उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। इससे भी आपके ब्लैक हेड्स परमानेंटली तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि वक्ती तौर पर आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। परमानेंटली अगर आपने करना है तो आपने ये वाली रेमेडी ट्राई करनी है। इसके इस्तेमाल से आपके परमानेंट जो हैं वो ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप इसकी भी एप्लीकेशन करते हैं तो ये भी आपके लिए सही है, ये भी आपकी ब्लैक हेड्स के रिमूव कर देगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।